खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में दो दिन के लिए सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों की मांग के बाद सरसों की खरीद की शुरुआत की गई। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में दो दिन के लिए सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों के हंगामे के बाद ये फैसला लिया गया कि अब दो दिन और समय होगा किसानों के पास, जो कि किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच सकते हैं। 6 जिलों में आज और कल सरसों की खरीद होगी। चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और नुहू में ये खरीद होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। मंडी के बाहर किसानों की फसल से भरे ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि पिछले कल किसानों की ओर से काफी हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया कि अब जो सरसों की खरीद है वो बंद की जा चुकी है, और काफी नाराजगी किसानों में थी। अब किसानों की समस्या, उनकी नाराजगी को देखते हुए मंडी में सरसों की खरीद शुरू की गई है। दो दिन का और समय किसानों के पास है, ऐसे दो दिन में किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच सकते हैं। हालांकि उसकी वानगी देखने को मिली है और मंडियों के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। सभी किसान अपनी फसल लेकर ट्रैक्टर में भरकर मंडी के बाहर पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। हालांकि राहत की सांस जरूर किसान ने ली है, क्योंकि उनके प्रदर्शन के बाद उनकी जो मांगे थी उनको माना गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता न्यूज से अनिल मोहिनी हमारे साथ हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, किसान काफी नाराज थे इस बात को लेकर कि जो सरसों की खरीद है वो बंद कर दी गई, लेकिन बहुत किसान ऐसे थे जिनकी फसलों की खरीद होनी अभी बाकी थी। अब जो दो दिन का समय दिया गया, नुहू में किसान संतुष्ट है, पहुंच रहे हैं अपनी फसल लेकर मंडी के बाहर। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जिस तरीके से नुहू जिले में सरसों की सबसे कम खरीद हुई थी, उसको लेकर नुहू जिले के साथ साथ 6 जिले और हैं, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी इत्यादि जिले हैं, जिनमें आज फिर से 11 तारीख यानी आज और 12 तारीख दो दिन के लिए सरसों की जो खरीद है वह शुरू की गई है। आज की हम बात करें, अभी तक सरसों की जो लेकर जो किसान है मंडी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि किसानों को इसकी सूचना देर से मिली थी, इसलिए वह किसान मंडी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जैसे हमने अधिकारियों से बात की अब से पहले, तो उन्होंने कहा कि हमने सभी किसानों को सूचित किया है, वो जल्दी मंडी में अपनी सरसों लेके आएंगे, और जिसके बाद पता चलेगा कि ये दो दिन के अंदर कितनी सरसों की खरीद हो पाती है। हैफेड के द्वारा नू में सरसों की खरीद की जानी है। अब देखना यह है कि कितने किसान इस दो दिन के जो सरसों की खरीद की शुरू की गई है फिर से इसका लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिएगा अनिल, मैं आऊंगी वापस आपके पास। तो किसान कितने इतने बाकी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फसल को लेकर मंडी में खरीदारी के लिए नहीं पहुंचे हैं, कितनी खरीद हो पाती है, ये सवाल बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हुए रेवाड़ी से बड़ी खबर बता दें, मंडी में सरसों की खरीद दो दिन के लिए शुरू की गई है, तो मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें शुरू हो गई। नू की जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। अब रेवाड़ी की बात कर लें तो रेवाड़ी में भी सरसों की खरीद के लिए ट्रैक्टर में अपनी फसल को जो है भरकर पहुंच रहे हैं किसान, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि बता दें 30 अप्रैल को सरसों की खरीद बंद कर दी गई थी, किसानों की मांग के बाद दो दिन के लिए फिर से खरीद शुरू की गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको की जिनकी फसल की खरीद होना भी बाकी था। हालांकि अब जानकारी मिल पा रही है कि किसान अपनी फसल लेकर मंडी के बाहर पहुंच चुके हैं और ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें मंडी के बाहर लग चुकी हैं। हालांकि काफी इंतजार किसानों को करना होगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नूह से अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, और रेवाड़ी से हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। नवीन, रेवाड़ी में किस तरह की स्थिति है, दो दिन का समय किसानों के पास है और क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से 30 अप्रैल को जब ये खरीद बंद की गई थी, उसके बाद किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और अब दो दिन के लिए जो सरकार की तरफ से खरीद शुरू की गई है, तो उसी में जो किसान है वो लगातार अब अपनी सरसों की जो फसल है उसे लेकर के मंडियों में पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मंडियों में हालात इस टाइम बने हुए हैं कि दो दो से तीन किलोमीटर दूर तक ये ट्रैक्टरों की लाइनें जो दोनों साइड लग चुकी हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी बात कि जब 30 अप्रैल को ये खरीद बंद की गई थी और उसके बाद किसानों ने रोड जाम रेवाड़ी में किया था, रोड जाम के बाद यहाँ पर दो दिन के लिए शुरू की गई थी लेकिन फिर दोबारा बंद कर दी थी। बीते दिन कल किसानों का जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने अनाज मंडी के गेट पर ताला लगाने का काम भी किया था, पुलिस जो है उनके साथ नोकझोंक, ऐसे में उन्होंने अब
दो दिन की जो सरकार ने खरीद शुरू कर दी है प्रदेश भर में, देख सकते हैं आप लंबी लंबी जो कतारें हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ना केवल ट्रैक्टर की बल्कि जो आम जन लोगों की, वो भी लंबी लंबी किसानों की यहाँ पर लाइनें लग चुकी है टोकन कटवाने के लिए। जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन टोकन में धूप में खड़े होकर के इन्हें जो अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। इस समय आप पीछे तक देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरा आपको दिखा पाएगा, आपको धूप में खड़े हुए किसान नजर आएंगे, अपने सिर के ऊपर कपड़ा रख करके किसान सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से किसान की जो सरसों है वो खरीदी जा सके, जिसके पहले भी विरोध किया गया कि कम से कम किसान की सरसों का एक एक दाना जो सरकार ने खरीदने का वादा किया 15 मई तक वो खरीदी जानी थी, 30 अप्रैल को ये खरीद बंद की गई थी और उसके बाद अब दो दिन के लिए जो खरीद शुरू की गई है उसी के लेकर के अभी जो लंबा लंबा जाम लंबी जो कतारें ट्रैक्टरों की। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं काफी लंबी लाइन लगी है, ट्रैक्टर जो कतार में खड़े कर दिए गए हैं, टोकन नंबर जो लिया जा रहा है नवीन, वो कब तक लिया जाएगा, क्या समय अवधि रहेगी, कब से शुरू होगा मंडी में मतलब फसल को खरीदने का समय और कब खत्म होगा, क्योंकि ये कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो किस तरह का प्रोसीजर होगा पूरा? दाना जो सरसों का है वो खरीदा जा सके, इसी को लेकर के किसान जो है सुबह से आज रेवाड़ी की मंडी हो, बावल मंडी हो या कोसली मंडी हो, तीनों मंडी में पहुंचने लगे थे और अब लंबी लंबी जो कतारें हैं वो ट्रैक्टर के लगने लगे। एक बार आपको कैमरे में भी दिखाना चाहेंगे दर्शकों को किस कदर ट्रैक्टरों की जो लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है, ट्रैक्टरों की लाइनें भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सुबह से ही जो किसान है वो यहाँ मंडियों में पहुँच रहे हैं, उसके बाद लंबी लंबी कतारें टोकन लेने के लिए। ये देखिए किसान भी हमारे साथ मौजूद है, किसानों से बात कर लेते हैं कि किस तरीके की परेशानी का इन्हें सामना करना पड़ा, क्या कुछ बताएंगे? 5 बजे आज सुबह और जब पीछा है सुबह चल जाए पता नहीं क्या मन भाव, वो तो पीछे हम 5 बजे आए हो रहा हमारे तकलीफ पता है, टोकन मिल गया आपको? टोकन ना मिला से भाई लगवा रहा क्या बोल रहा है, कितनी अभी कल से 2 दिन के लिए स्टार्ट की गई है, 2 दिन के लिए करेंगे सरकार ने, अब 2 दिन के लिए करी है, इससे खुश हैं? फैसले बंद हो गई थी सरसों की खरीद, अब दोबारा शुरू की गई है, इससे आप फैसले से खुश हैं? क्या अगले 2 दिन में तो कैसे बात बनेगी बताओ, अब जमींदार का माल तो पूरा पड़ा हुआ है, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? और बढ़ना चाहिए, देखिए कहीं ना कहीं किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि ये 2 दिन से और बढ़ाई जाए ताकि किसान जो अपनी पूरी सरसों बेच सके, क्योंकि अभी किसानों को जो लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, सुबह 5 बजे जो किसान है वो यहाँ मंडियों में पहुंच गए थे और उसके बाद आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा दें, दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि जहाँ तक नजर इस कैमरे की जाएगी आपको सिर्फ तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर दिखेंगे, लंबी बातें आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि लंबी लंबी ट्रैक्टर जो लाइन है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान सुबह 5 बजे से रेवाड़ी की मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया था और अब 3 से 4 किलोमीटर तक की ये लाइनें जो पहुंच चुकी है दोनों तरफ से ही, या मेरे पीछे देख रहे हो या फिर मेरे सामने, दोनों जगह से ये लाइनें, इधर से अगर बात करें तो अनाज मंडी के गेट से नायवली चौक तक ये लाइनें पहुंच चुकी है और यहीं से अगर बात करें तो अनाज मंडी के गेट से डीसी ऑफिस जो कार्यालय यहाँ पे जिला उपायुक्त का कार्यालय वहां तक ये लाइनें पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन सहूलियत ये कि 2 दिन की जब किसानों को मोहलत मिली है सरसों बेचने की तो उससे कहीं ना कहीं किसान खुश भी नजर आए, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं सरकार से ये भी मांग है कि इस 2 दिन के जो समय को 1 हफ्ते का समय किया जाए ताकि फसल बेच सके। जी बिल्कुल, किसानों की मांग की समय अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो अपनी फसल लेकर मंडी के बाहर पहुंच रहे हैं और संभव नहीं है कि 1 या 2 दिन के अंदर सभी की फसल को खरीदा जा सके और इस परेशानी से किसान जूझते नजर आ रहे हैं। ठीक है नवीन, आप बने रहिएगा, मैं लगातार अपडेट आपसे लूँगी। एक बार नूह का रुख करेंगे, अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, मैं आपसे समझना चाहूँगी नूह के किसान क्या कहते हैं, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग समस्याएँ लोगों की हैं, किसानों की खासकर, और शायद मुझे लगता है कि जो कतारें हैं में भी थोड़ा फर्क रहा होगा। नूह में कितनी भीड़ किसानों की? नूह की हम बात करें, नूह के अंदर अभी तक किसानों को जिस तरीके से मंडी सुपरवाइजर की तरफ से जो मैसेज दिया गया था, फोन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि 2 दिन के लिए 11 और 12 तारीख के लिए जो यहाँ पर अनाज मंडी यहाँ पर सरसों की खरीद दोबारा से शुरू होगी उसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन अभी तक किसान यहाँ पर पहुंचे नहीं है। आप देखते हैं कि कितने समय बाद यहाँ पर किसान पहुंचते हैं, उसके बाद ही किसानों से बात होगी और किसान बताएंगे कि कितने दिन के लिए आगे या 2 दिन के लिए और भी समय बढ़ाया जाए, ये सब बातें किसानों के होने के बाद ही पता चल पाएंगी। ठीक है,
आप नजर बनाए रखिएगा अनिल, आपसे भी अपडेट लूंगी। तो साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि काफ़ी मुश्किल है, पहले टोकन नंबर लेना होगा, उसके बाद लंबी लंबी कतारों में लगकर इंतज़ार करना होगा और सुबह 5 बजे से ही मंडी के बाहर किसान अपनी फसलों को लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका नंबर नहीं लग पाया है। तो ये लाजिम है कि काफ़ी समय लगेगा और 2 दिन के अंदर किसानों की खरीद की फसल हो पाएगी, ये काफ़ी मुश्किल लगता नज़र आ रहा है। नवीन, मैं वापस आऊँगी आपके पास, और जो रेवाड़ी की तस्वीरें हमने देखी हैं, जिस तरह से किसान ये बताते नज़र आए कि सुबह से 5 बजे लाइन में लगे हैं लेकिन अभी टोकन नंबर नहीं मिल पा रहा। अच्छा, किस तरह से फसल की खरीद हो पा रही है नवीन? क्या टोकन नंबर लेना होगा, उसके बाद लाइन में लगकर इंतजार करना होगा, उसके बाद फसल की खरीद होगी, किस तरह की प्रक्रिया पूरी नवीन? देखिए, जो भी किसान अपनी सरसों यहाँ पर लेकर पहुंच रहे हैं उसे सबसे पहले यहाँ पे टोकन कटवाना पड़ रहा है। टोकन कटवाने के बाद वो कितनी सरसों लाया उसी हिसाब से उसकी सरसों खरीदी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से 30 अप्रैल को ये खरीद बंद की गई थी और अब ये खरीद 2 दिन के लिए जो सरकार की तरफ से शुरू की गई है, ऐसे में सभी किसानों का एक ही मानना है कि कहीं कम से कम उनकी जो एक एक दाना है वो सरसों बेच सके। इसी को लेकर के सुबह 5 बजे से रेवाड़ी की जो मंडी में लाइनें लगने शुरू हो गई थी। मैं आपको कैमरे में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से तस्वीरें देखेंगे रेवाड़ी की, किस तरह लंबी लंबी कतारें किसानों की लगी हुई हैं। झज्जर से प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े, एक बार उनका रुख करूंगी। प्रदीप, झज्जर में किस तरह की स्थिति है? किसान जो अपनी फसल को लेकर मंडी के बाहर अगर पहुंचे हैं तो कितना इंतजार उनको करना पड़ रहा है, और जो 2 दिन का समय दिया गया है, क्या उससे संतुष्ट हैं किसान? जी बिल्कुल, झज्जर में भी किसान जो है भारी संख्या में अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे हैं। उनमें खुशी है कि सरकार ने 2 दिन तक जो सरसों की खरीद की प्रक्रिया है बढ़ा दी है। तो ऐसे में जो सरसों का भाव बाहर जो बाजार में उन्हें कम मिल रहा था, अब सरकारी खरीद के जरिए उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकेगा। इसके लिए अब किसान खुश हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का ये बेहतर कदम है, लेकिन और इसे और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा संख्या में सरसों आई हुई है। हालांकि मंडी में अभी तक गेहूं को और सरसों का पूरी तरह से उठान नहीं हुआ है, इस वजह से जगह में भी जो है वो कम जगह है, जिसके चलते किसानों को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। लेकिन खरीद प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल रही है, ठीक तरीके से खरीदी जा रही है और किसानों को उनकी फसलों का बेहतर भाव भी मिल रहा है। हालांकि जो सरसों है उसकी नमी चेक करने के बाद सरसों खरीदी जा रही है। सरसों की कटाई काफ़ी समय पहले इस क्षेत्र में हो चुकी थी, लेकिन अब जो सरसों है वो मंडियों तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके पीछे के मौसम की खराबी रही है या फिर जो फसल है उसमें नमी, ये मुख्य वजह रही है। अब नमी बिल्कुल जा चुकी है, जो सरसों की फसल आ रही है बिल्कुल सूखी हुई है और इसीलिए जो सरकारी खरीद है वो बेहतर ढंग से चल रही है। किसान अपनी फसल सरकार को बेच रहे हैं। अगर बात की जाए झज्जर की अलग अलग मंडियों की, यहाँ कई लाख मीट्रिक टन सरसों खरीदी जा चुकी है अब तक, और लेकिन सरसों का उठान जो है वो धीमी गति से हो रहा है। हैफेड इस बार यहाँ पर खरीद कर रही है जो नेफेड की को देगी अपनी सरसों, और किसानों का भुगतान भी जल्द से जल्द करने का दावा मार्केट कमेटी के अधिकारी कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिएगा, आऊंगी वापस आपके पास। एक बार चरखी दादरी का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, चरखी दादरी में जो सरसों की खरीद है उसको लेकर क्या स्थिति है? किसान सही तरीके से फसल लेकर मंडी के बाहर पहुंचे हैं और खरीद हो पा रही है या कुछ परेशानियां किसानों को आ रही हैं? देखिए, अगर चरखी दादरी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जो किसानों को जैसे ये जानकारी मिली कि 11 व 12 मई को यहाँ 2 दिन सरसों की सरकारी खरीद की जाएगी, उसके बाद से ही मंडी के बाहर करीब 1 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइनें लग गई हैं और सुबह से ही किसान यहाँ पर जो ट्रैक्टर लेकर अपने जो सरसों की फसल है उसको लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि पूरी मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो उठान है वो धीमा होने के कारण मंडी में भी जगह कम पड़ सकती है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर जो उठान का जो कार्य चल रहा है, इसके साथ साथ आप गेहूँ का जो काम है, गेहूँ की जो ढेरियाँ हैं वो भी पड़ी हुई हैं और पूरी यहाँ चरखी दादरी मंडी में आज जो किसानों की जो भीड़ है, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है सरकारी खरीद, क्योंकि यहाँ जो किसान हैं अभी वो कांटे पर आकर यहाँ पर इनकी तुलाई करवा रहे हैं, उसके बाद में ही अंदर जाने दिया जाएगा और उसके बाद में ही इनका टोकन जो है वो गेट पास दिया जा रहा है और उसके आधार पर ही सरकारी खरीद की जा रही है। लेकिन प्रदीप, 10:30 बजे तक का 10:30 होने वाले हैं और अभी तक अगर खरीद शुरू नहीं की गई और मात्र 2 दिन का समय किसानों के पास है सरसों की खरीद के लिए, तो क्या सभी किसान जो वहाँ पहुँच रहे हैं फसल के लिए, ये मुमकिन है कि सभी की फसल की खरीद हो पाएगी?
देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, किसानों को जो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही गेट पास से गेट के लिए वो एंट्री करते हैं, किसानों को आधार कार्ड के साथ साथ फैमिली आईडी भी यहाँ पर जमा करवानी पड़ रही है, वहाँ पर समय लग रहा है, फिर भी यहाँ पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं, मंडी के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि उनका ये प्रयास है, जितने भी जो आज किसान आए शाम तक, उन सब की यहाँ पर एंट्री हो, एंट्री होने के बाद हो सकता है आज जो किसानों की संख्या वो कम है और लोगों को जानकारी मिलेगी, कल जो किसानों की जो संख्या वो बढ़ेगी फसल बेचने वालों की। आज 1 किलोमीटर लंबी अगर किसानों की लाइन है तो कल भी बड़ी लाइन हो सकती है। और तीन का मंडी अधिकारियों का कहना है कि जो भी किसान यहाँ पर पहुंचेंगे जिनकी भी जो लंबी हो सकती है, और अगर कतारें लंबी होती चलेगी तो 2 दिन में कैसे सरसों की खरीद हो, सभी किसानों की फसल कैसे खरीदी जाए, ये एक बड़ी समस्या जरूर सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहू आपका तमाम जानकारी के लिए।